और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है हिंदू लड़की ने जब सलाम कबूल किया तो लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, जब छोड़ के कोई दूसरे रिलीजन से जब हिंदू धर्म में जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से उसे मतलब उसका स्वागत किया जाता है, ठीक है। लेकिन वही जब कोई दूसरे रिलीजन को छोड़कर जब इस्लाम धर्म में आता है तो पता ही है कि इस्लाम धर्म को झुकाने के लिए, गलत साबित करने के लिए और जो नॉन मुस्लिम है वो कैसे गाली देते हैं। तो देखते हैं इन लेडी को क्या बोला है और इनकी क्या स्टोरी है कि इन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया। वीडियो को लास्ट तक के देखना, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले गाइस। तो शेयर जरूर करना, हम कपल को सपोर्ट करना आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बहन जो पहले हिंदू हुआ करती थी अब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम निखत रख लिया है। लेकिन अब मसला ये पेश आ रहा है कि इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों ने इनको सताना शुरू कर दिया है। लोग इनसे तरह तरह की बातें करते हैं, सवालात पूछते हैं और इनको बुरा भला भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक तरह की मुनाफिकत है कि जब कोई इनके धर्म में आता है या सो कॉल्ड घर वापसी करता है तो यही लोग उसका सम्मान करते हैं, और तो और सरकार भी उस शख्स का साथ देती है और साथ ही में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। लेकिन जब कोई इनके धर्म को छोड़कर मुसलमान बनता है, इस्लाम में दाखिल होता है, तो यही लोग उसे जबरन धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं, लव जिहाद का शिकार बताते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? दोस्तों, ये लोग इस बात से बहुत चिढ़े बैठे हैं कि हम इस्लाम को मिटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है और तो और दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला मजहब भी बन चुका है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर चौधरी ने रोते हुए अपने गम का इजहार कुछ इस तरह से किया और उन लोगों के आंकड़े बताए जिन्होंने पिछले 5 साल में अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कबूल किया, जिसमें सबसे पहला नंबर इस्लाम का आता है। जी हाँ दोस्तों, इनके मुताबिक पिछले 5 सालों में लगभग 13 लाख से अधिक लोगों ने अपना धर्म छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल किया है। और दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म है, जिसमें पिछले 5 सालों में लगभग 5 लाख लोगों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को कबूल किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म है, जिसमें पिछले 5 सालों में 4 लाख लोगों ने अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को इख्तियार किया है। इसके बाद आता है वो धर्म जिसमें लोग घर वापसी करते हैं और घर वापसी करने के बाद कुछ इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब दोस्तों, इस धर्म के आंकड़े देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं और आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट को पेश करने में कितनी तकलीफ हुई होगी इस जेंटलमैन को। दोस्तों, आज तक की इस रिपोर्ट को माने तो पिछले 5 सालों में सिर्फ 30,000 लोगों ने ही अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को इख्तियार किया है। अब दोस्तों, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ 13 लाख और कहाँ 30,000। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस जेंटलमैन की रिपोर्ट को लेकर आगे का वीडियो देखते हैं। लाइक करना, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह सबको अच्छा रखे, अल्लाह सबकी जहाज दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जैसे कि मैंने अपना वीडियो डाला था उस टाइम पे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है नॉन मुस्लिम टू मुस्लिम, ठीक है। अगर किसी ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं उन चीज़ों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं कितनों को जवाब दूँ, ठीक है। पहली बात तो मुझे किसी ने उसमें सलाम किया है तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी, वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर सलाम करते हैं तो मैं मैसेजेस का जवाब जल्दी नहीं दे पाती हूँ, तो इसीलिए मैं जो भी मुझे सलाम करते हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात कि वीडियो बनाई थी कि मैं उत्तराखंड की हूँ करके, तो मैं, मेरा बॉर्न एंड बर्थ मुंबई है, मेरे पेरेंट्स वहाँ के, वो हमारे नैनीहाल है ना, मतलब मेरी मम्मी का गांव है, मेरे पापा का गांव है वो, तो हम लोग का तो बॉर्न यहीं पे हुआ है। लेकिन हम ये तो मानेंगे ना कि हम वहाँ के है करके, उत्तराखंड के है करके,
तो मेरे ये बोलने के ऊपर बहुत सारे मेरे मैसेजेस के नीचे, मतलब मेरे वीडियोस के नीचे मुझे गलत गलत मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को बुरा बोल रहे हैं, तो मैं वही ये जो वीडियो बना रही वो उनके आंसर के लिए बना रही हूँ। पहले क्या है करके, तो उस हिसाब से मैंने उनका जवाब दिया। ठीक है, कोई इफ्रा करके है, उन्होंने मुझे पूछा था, मैं वो भी यहाँ पे लगा दूंगी। तो मुझे जैसा जिन्होंने पूछा, मैं सबको तो अलग अलग मैसेज नहीं कर सकती कि हाँ मैं नॉन मुस्लिम थी, मैं मुस्लिम बनी, मैं कन्वर्टेड हूँ करके। ठीक है, मैं अगर वीडियो बना भी रही हूँ तो सेकेंड टाइम मुझे ये पूछते थे कि आप पहले क्या थे करके, तो मैंने उसी एक में बना दिया वीडियो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जैसे ही मैंने वहाँ पे वीडियो डाला तो फिर मुझे लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं वो भी यहाँ पे डालूंगी। लोग गलत गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं मुझे गलत कमेंट करने की ज़रूरत क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि माही नेगी करके है जो मुझे यू आर डिसग्रेस टू उत्तराखंड, क्यों भाई, क्यों क्यों डिसग्रेस, मैंने क्या किया ऐसा? और मैं ही अकेली उत्तराखंड की नहीं हूँ जिसने इस्लाम कबूल किया, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उत्तराखंड की मैं ही अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं उत्तराखंड के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जो बहुत खुश भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो आपको मुझे ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप मेल हो या फीमेल हो मैं नहीं जानती आप क्या हो करके, मेरी मर्जी थी, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारे घर में ये रूल है कि बच्चे खुश है ना तो ठीक है, वो लोग हमको एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बहन ने भी गुज्जू से शादी किया हुआ है, वो भी खुश है। और आपको एक बात बोल देती हूँ मैं, आप जो भी हो, मेरा भाई है ना, मेरा भाई आज जिसने उत्तराखंड से शादी किया हमारे से, वही एक बहुत बड़ी गलती। मैं ये नहीं बोलती वहाँ के सारे लोग ही बुरे होते, वहाँ पे अच्छे लोग भी बहुत है, लेकिन बोलते ना एक एक उंगली के वजह से ना पांचों उंगली को हम ख़राब नहीं बोल सकते, वैसे ही ना इस्लाम भी है, अगर आप एक के वजह से सबको गलत नहीं बोल सकते, हाँ सबको गलत नहीं बोल सकते। तो आज मेरे भाई ने जिससे शादी किया वो भी उधर की चे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हम लोग खंड से शादी किया हमने अपने भाई की, तो वो भी यहाँ से करता, वो भी किसी गैर जात में करता, तो आज वो भी खुश रहता था। ठीक है, हमारे घर की प्रॉब्लम्स हमको पता है, मैं उत्तराखंड के लोगों को गलत नहीं बोल रही हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है, यूट्यूब में भी है बहुत से उत्तराखंड के लोग, लेकिन एक के वजह से ना सबको बोलना पड़ता है। जैसे कि आप लोग एक के वजह से ना पूरे इस्लाम को खराब, मतलब बुरा बोलते हैं, और वो जो कोई और एक और है जो मुझे लव जिहाद बोल रहा है, आपको पता होगा लव जिहाद का मतलब, मुझे तो जिहाद का मतलब भी नहीं पता है। और मुझसे ना कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी कि मैं इस्लाम कबूल करूँ करके, मेरी मर्ज़ी थी, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। हाँ, मेरी स्टोरी तुम नहीं जानते हो, मेरा घर टूट टूट के भी वापस उसी के साथ जुड़ा है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। आज मेरे दो बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा रहेगा, तो आप मुझे मेरे जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, ठीक है ना, आप राम के हो तो आप राम के रहो ना। हाँ, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे ब्लॉक कर दो, आप मत देखो, आपको कोई हक नहीं बनता है। और आपके नीचे मेरे को उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, हाँ उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगी, जो मेरे सपोर्ट में बात कर रहे हैं, जो मुझे बोल रहे हैं, मेरे सपोर्ट से जवाब दे रहे हैं। मैं किसी का जवाब वहाँ पे नहीं देना चाहती हूँ, क्यों दूँ मैं जवाब? और आप इतना नीचे नीचे, मतलब मेरे को मैसेज पे मैसेजेस कर रहे, यू आर डिस्ग्रेस और योर पेरेंट्स विल बर्न इन हेल, आप डिसाइड करोगे? ऐसे तो इस्लाम में भी बोलते हैं कि जो बेटी गैर कौम में शादी करती है उसके माँ बाप को जहन्नुम में जलाया जाएगा, ये सिर्फ बोलने की बात है, आपने देखा है क्या? और आप कौन होते हैं मेरे पेरेंट्स को जलाने वाले, ये सब डिसाइड करने वाले? हाँ, आपको कल का पता है कि आपके साथ क्या होगा? तो मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलने की आपको क्या, आपने मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला, इसीलिए मुझे बुरा लगा, इसीलिए मुझे ये मैसेज बनाना पड़ रहा है, ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये मैसेज तुमको देना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स के बारे में ना कभी कुछ बोलना नहीं, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरे पेरेंट्स क्या है ना वो मैं जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स, मैं बाहर गई हुई थी इसलिए मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स को आपने बोला करके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप प्लीज़ मुझे ब्लॉक कर दीजिए या मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा मुझे देखे जो मेरे बारे में बुरा बोले। ठीक है, और आप ना अभी से मुझे मैसेज करना नहीं कुछ भी गलत सलत, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। जो भी हो आप, माही नेगी को मैं बोल रही, और मैंने कोई लव जिहाद स्प्रेड नहीं किया हुआ, और दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बात बोलूँ ना, इस्लाम में बहुत सारे लोग अच्छे भी है, आप एक एक अगर बुरा होता है
एक गलत करता है तो हम सबको नहीं बुरा बोलना चाहिए, अच्छे लोगों को भी देखो ना, बुराइयाँ क्यों तलाशते हो, अच्छाई भी देखो कि इस्लाम में बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, उनकी मदद करते, उनको भी तो बोलो ना। इस्लाम को गलत बोलने का हक किसी को भी नहीं है। और मैंने ना ये इस्लाम इसके लिए कबूल किया क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं नमाज़ मैं अल्लाह को मानती हूँ और मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड का ही मुझे साथ है। और मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप इस्लाम में खुश हो ना, आपको कोई तकलीफ़ नहीं। तो बहन तकलीफ़ तो ज़िंदगी में ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगी, तकलीफ़ हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है, है इन लॉज़ के साथ में प्रॉब्लम्स होती रहती है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरे हस्बैंड अच्छे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और आज मैं सेपरेट रहती हूँ, मेरी वो भी एक स्टोरी है, तुम लोग मेरी ज़िंदगी की स्टोरी क्या जानोगे, हाँ अभी तक तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बोलो, मेरे पेरेंट्स ने नहीं, मैंने अपना चुना है, खुद चुना है, तो मेरे पेरेंट्स ने हमको एक्सेप्ट किया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं जो हमको खुश रखते हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया करके, नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे उधर पे अच्छे कमेंट किए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरी तरफ से जवाब दिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। और मेरा अभी ये वीडियो जिनके लिए बनाना था मैंने उनको जवाब दे दिया। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है, आपको मैं बुरी लग रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए। जाती हूँ तो मुझे मुस्लिम इतना प्यार करते, उनको पता चलता है अगर मैं नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हूँ तो मुझे इतनी इज्जत, इतने प्यार से मुझे इतना दुआ देते, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे आसपास में मिलते हैं, चाहे वो मुझे मिले हो या ना मिले हो, फर्स्ट टाइम भी मिले हो, उनको पता चलता है तो भी वो लोग मुझसे बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत से बात करते हैं, हाँ। और मेरे को सब्सक्राइबर्स भी बहुत सपोर्ट से, बहुत प्यार से, इज्जत से बात करते हैं। बस कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी को बुरा बोले बिना उनको खाना ही हजम नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो देख के आगे निकल गए होंगे, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला होगा, ना अच्छा ना बुरा। आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, ठीक है। ये आप मेरे लिए मत करो, आप दुनिया में किसी और का भी वीडियो देखते होंगे, आपको बुरा लगता होगा ना, तो आप उसको कमेंट मत करो, आप किसी को डीमोटिवेट मत करो, क्या पता उसको कितना हर्ट होता होगा आपके एक डीमोटिवेशन से, जैसे कि मुझे हुआ था कि आपने मेरे पेरेंट्स को गलत बोला था। मुझे किसी ने पूछा था कि आपका आपके मतलब पेरेंट्स के घर में आना जाना चालू है क्या, तो हाँ मैं जाती हूँ उनके पास में। अभी पेरेंट्स है, जब तक जिंदा है तब तक तो रिश्ता तो रहने ही वाला है, तो मैं मतलब उस कॉम का कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मेरा आना जाना है। मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर में आते, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब आते मेरे घर में, रिश्ता वैसा ही है जैसा पहले था, क्योंकि खून के ये था वीडियो। बहुत अच्छा एक बात बोली इन्होंने कि भाई इनकी लाइफ है, इनको कैसे जीना है वो इनको पता होगा, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा कोई भी वो हो इंसान जिसके लाइफ में परेशानी नहीं होती, हर किसी के लाइफ में होती है, वो हमारी एक अजमाइश रहती है हमारे क्रिएटर की तरफ से। लोग उस चीजों को समझ, आधे लोग समझ पाते हैं, आधे लोग नहीं समझ पाते, तो ये इनको क्या बोलूं मैं, इन लेडी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हेट कमेंट कर रहे हैं आपके मम्मी पापा या किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप इतना माइंड मत करो बातों को, इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप जब ऊपर चढ़ोगे, हाँ, आप एक अच्छे रास्ते में जाओगे तो आपको हेटर्स मिलेंगे ही, आपको रोकने के लिए, वापस पीछे खींचने के लिए। तो ऐसा तो कोई अच्छा काम करे बुरा करे, हर किसी को हेटर्स होते हैं, हर किसी को सुनना पड़ता है लाइफ में। तो इनको यही बस हम समझाना चाहेंगे कि आप इतना माइंड मत करो, आप ये देखो अगर 10 में से आपको 8 लोग गाली दे रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो 2 लोग जो है हमारे मुस्लिम भाई वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही चीज बोल रहे हैं, तो वो उनको देखो और उनके मैसेज देख के खुश हो जाया करो, और लाइफ में ये खुश है, इनको कोई परेशानी नहीं है, उनके फैमिली वाले भी मान चुके हैं, फिर दूसरों को क्यों इतनी परेशानी है, उनकी मर्जी है, उनको जो मानना है वो मानेंगी। लेकिन ये एकदम अजीब आजकल ट्रेंड चलने लग गया कि अगर कोई मुस्लिम में कुछ भी कन्वर्ट हो या कुछ भी करे, ठीक है, तो बस बदनाम किया जाता है। और एक चीज बहुत सही है, चीज बोले कि हर रिलीजन में एक बुरा इंसान होता है, ठीक है, उसके कारण आप पूरे रिलीजन को गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि अभी एक ऐसा न्यूज आया है जिसमें एक हिंदू रिलीजन का भाई है, वो भाई क्या बोलोगे, वो भाई भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, क्रिमिनल है,
ठीक है, वो उसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को 100 टुकड़े किए और उसके बाद कुकर में उबाल के कुत्तों को खिला दिया। तो ये सब चीजें ना आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको मीडिया वाले दिखाएंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना है और बस उनका जो प्रोपेगेंडा चलता है वही करना है आपको। मेन चीज जो रहेगा ना जमीन से जुड़ी हुई चीजें वो आपको नहीं दिखाएंगे। सोचो अब उस लड़की के माँ बाप पे क्या बीती होगी अगर उनको ये सब चीज पता चला होगा। तो पहले तो मुस्लिम और हिंदू को साइड में रख के क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई कैसा भी हो, उसको सब हिंदू मुस्लिम को मिलकर आपको क्रिमिनल को रोकना है और मिलकर उनको मतलब गलत से रोकना है, क्योंकि एक होके उनके सपोर्ट में खड़ी होना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का भले आप मानो, ठीक है। लेकिन ये तो बात है कि बनाने वाला तो एक है, भले आप किसी को भी मानो और हर किसी के लाइफ में कि क्या चल रहा है ये परेशानी आप नहीं जान सकते, तो इन लेडी को बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतनी उलझुल बातें बोल रहे हो, को इसमें कोई आप ये नहीं दिखा रहे हो कि भाई आपका रिलीजन क्या है, वो आप दिखा रहे हो खुद कमेंट करके, ठीक है, लोगों को। तो हम तो यही सोचते हैं जो गलत कमेंट करता है उसका रिलीजन वही है और यही सिखाते हैं उसका रिलीजन, और जो अच्छा कमेंट करता है तो हम सोचते हैं कि हाँ यार ये रिलीजन इतना अच्छा है तो ही इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सो गाइज ये था वीडियो, आप क्या सोचते हैं उस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, ठीक है, अपने स्टोरी में लगाना गाइज, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज।